हेलो गाइस, वेलकम टू वाइल पूरा स्टूडेंट। तो कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन डाटा एंट्री टाइपिंग का काम करके पैसे कमा सकते हो। मैं भी डाटा एंट्री का काम करता हूं। अब मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा अपने पेमेंट का और प्रोजेक्ट भी दिखाऊंगा, क्या प्रोजेक्ट मेरे को मिलता है और मैं कैसे उसको सबमिट करता हूँ, कैसे मैं काम करता हूँ। साथ में ये बताऊँगा गाइज आपको भी कैसे डाटा एंट्री का काम करना है और कहाँ से काम मिलेगा गाइज और कितने पैसे मिलेगा। और खास बात ये है गाइज, जो भी आप काम करते हो तो आपको पैसे एडवांस में मिलता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको 6,000 रुपये का प्रोजेक्ट मिल रखा है गाइज, 2 दिन में उसको सबमिट करना है, तो आप क्या कर सकते हो गाइज, आपको जो भी 6,000 का है आप एडवांस में 6,000 रुपये पहले लोगे, फिर आप काम स्टार्ट करोगे। आपको 1 रुपये भी रजिस्ट्रेशन फी नहीं देना, 1 रुपये भी डिपॉजिट नहीं करना है। क्लाइंट आपसे 1 रुपये भी पैसे नहीं मांगेगा। आप उल्टा क्लाइंट से काम शुरू करने से पहले पैसे मांगोगे, बोलोगे कि मेरे को इतने रुपये चाहिए फिर मैं काम स्टार्ट करूंगा, तो आपको पेमेंट करेगा। मैं भी ऐसे ही करता हूँ गाइज, पहले पेमेंट लेता हूँ फिर काम करता हूँ, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। पहले क्या करो गाइज, देखो जैसे मान लीजिए 6,000 रुपये का प्रोजेक्ट है, तो आप या तो 6,000 पूरा ले सकते हो एडवांस में, या फिर 1,000, 2,000 या 3,000 कितना भी एडवांस में ले सकते हो, और काम पूरा होने के बाद दूसरा पेमेंट ले सकते हो गाइज। तो ऐसे करके आप अर्निंग कर सकते हो गाइज, और यहाँ से कोई फ्रॉड का चांस नहीं है। जो मैं बताऊँ गाइज वैसे फॉलो करोगे तो आप भी एडवांस में पैसे लेके फिर काम स्टार्ट करोगे और आप भी हर रोज अच्छे खासे इनकम जनरेट कर पाओगे। उससे पहले अगर गाइज अगर ये वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना गाइज, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइज देखो, इसे मेल हो फीमेल हो सभी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12th पास हो 8th पास हो इसमें कोई मैटर नहीं करता, सभी अप्लाई कर सकते हो गाइज। कोई इसमें आपको डिग्री वगैरह देखने नहीं आ रहा कि आप कितने पढ़े लिखे हो, बस आप अप्लाई करके अर्निंग कर सकते हो। तो चलिए जान लीजिए कैसे अर्निंग करना है। सबसे पहले गाइज मैं आपको प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, प्रोजेक्ट मेरे को क्या मिला है, फिर आपको यहाँ पे पेमेंट प्रूफ भी दिखा देता हूँ गाइज। सबसे पहले देखो डेस्कटॉप पे आ रखे हैं, तो देखो गाइज यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे क्या काम किया है मैंने, वेबसाइट स्क्रैपिंग का काम मिला था मेरे को गाइज, डाटा एंट्री का। और यहाँ पे देख सकते हो काम है कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हो प्रोजेक्ट का डिटेल दिखाता हूँ गाइज। देखो यहाँ पे क्लाइंट ने मेरे को बोला है यूज़ ट्रिप एडवाइज़र, ये साइट को यूज करो, और यहाँ पे मेक अ लिस्ट ऑफ 10 रेस्टोरेंट्स इन लॉस एंजलिस, यानी लॉस एंजलिस में 10 ऐसे रेस्टोरेंट है उसका लिस्ट बनाओ। और लिस्ट में गाइज उसमें क्या क्या होना चाहिए, रेस्टोरेंट का नाम होना चाहिए, वेबसाइट होना चाहिए, और यहाँ पे एड्रेस होना चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए, ईमेल एड्रेस होना चाहिए उस वेबसाइट का, और रिव्यूज़ होना चाहिए यानी कितने रिव्यूज़ मिल रखे हैं। जो वेबसाइट है गाइज यानी वेबसाइट का लिंक देना है, कहाँ देना है गाइज, आपको एक्सेल में देना है। आपका जो क्लाइंट है एक्सेल में मांग सकता है, गूगल स्प्रेडशीट में मांग सकता है, जैसा मर्जी वैसा मांग सकता है गाइज। और साथ में आप ये काम भी कर सकते हो, पीडीएफ से वर्ड में कन्वर्ट करने का भी काम कर सकते हो। आप डाटा एंट्री कॉपी पेस्ट वाला भी काम कर सकते हो। जैसे गाइज आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसको देख करके टाइपिंग करके सबमिट कर सकते हो। और देखो गाइज मैंने सबमिट किया और यहाँ पे प्रोजेक्ट का देखो यहाँ पे कितना रुपये था, यहाँ पे 600 रुपये का प्रोजेक्ट था गाइज। तो यहाँ पे काम कितने देर का था, 10 लिस्ट ही बनाने थे, 5 मिनट लगे मेरे को बनाने में, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना था। मैं आपको प्रोजेक्ट भी दिखाऊंगा, उससे पहले पेमेंट दिखा देता हूँ गाइज। अब देखो यहाँ पे पेमेंट पे मैं क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे गाइज आते हैं तो पेमेंट है रिलीज हो चुका है 600 रुपये का। और देखो यहाँ पे नीचे देखते हो गाइज स्टेटस में ग्रीन दिखा रहा है स्टेटस, यहाँ पे क्या है रिलीज हो चुका है गाइज 600 रुपये, यानी 600 रुपये मेरे को मिल चुके हैं। और देखो मैंने प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया है, तो आप भी ऐसे करके अर्निंग कर सकते हो। अब चलिए दिखाते हैं हम गाइज की प्रोजेक्ट क्या था। और देखो गाइज मैं देखो यहाँ पे रेस्टोरेंट का नाम लिखा है मैंने, ये 10 रेस्टोरेंट है जो लॉस एंजलिस में, उसका नाम लिखा मैंने, उन सब का मैंने वेबसाइट का लिंक दिया मैंने यहाँ पे गाइज, और फिर यहाँ पे एड्रेस भी दिया उसका, उसके बाद फ़ोन नंबर दिया, उसके बाद ईमेल एड्रेस दिया, उसके बाद रिव्यूज़ कितने कितने मिले हैं सारा किया। और इसके बाद मैं गाइज इस वीडियो में दिखाऊंगा मैंने ये काम कैसे किया, अगर आप देखना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखना, ये सारा भी दिखाने वाला हूँ कि मैंने इसको कैसे पूरा किया था। अब चलिए गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको काम कैसे करना है। तो गाइज सबसे पहले देखो यहाँ पे फ्रीलैंसर पे आ जाना है। फ्रीलैंसर में देखो आते हो तो गाइज बहुत से लोग ऐसे हैं यहाँ पे ठग भी बैठे हैं। जैसे मान लो पहले आपको क्या करते हैं, काम देते हैं और आपसे उल्टा पैसे लेते हैं, लेकिन जो मैं बताने वाला गाइज आपसे कोई भी 1 रुपये भी उल्टा नहीं लेगा, आप उससे पैसे लोगे फिर काम करोगे गाइज, और आपसे कोई पैसे नहीं लेगा। ये सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला गाइज, आप भी इसको फॉलो करोगे तो आप भी अर्निंग कर पाओगे। तो सबसे पहले गाइज देखो फ्रीलैंसर पे आने पे यहाँ पे ब्राउज पे चले जाते हैं और यहाँ पे सर्च में चले जाते हैं गाइज। और यहाँ पे सर्च में जाने के बाद यहाँ पे डाटा एंट्री जैसे मैं लिखता हूँ गाइज, देखो डाटा एंट्री यहाँ पे लिख के सर्च करूँगा और देखो यहाँ पे पहले रिजल्ट आ जाता है गाइज। देखो यहाँ पे 100 से 300 रुपये दे रहे हैं और यहाँ पे ये काम करवाने के लिए गाइज आपको कुछ ही मिनटों को काम है, आप काम करके दे दोगे 100 से लेके 300 रुपये अर्निंग कर लोगे। उसके बाद गाइज यहाँ पे आते हो डाटा एंट्री एक्सेल एक्सपर्ट। अब देखो यहाँ पे गाइज $250 से लेकर के यहाँ पे
गाइज आपको 750 US डॉलर मिल रहे हैं इस काम को पूरा करने के लिए। और नीचे आओ गाइज तो यहाँ पे 1500 रुपये लेके 12500 रुपये मिल रहे हैं इस काम को पूरा करने के लिए। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे आते हो और यहाँ से क्या करते हो गाइज, यहाँ से आप बिड करते हो और यहाँ से अर्निंग कर लेते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है गाइज आपको, ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो, जब भी बिडिंग करते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी क्लाइंट के बारे में सबसे पहले एक चीज़ चेक करना कि क्लाइंट ने क्या पैसे डिपॉजिट किया है। तो देखो यहाँ पर लिखा है डिपॉजिट मेड, तो यहाँ पे ग्रीन नहीं दिखा रहे गाइज, तो यहाँ पे अभी क्लाइंट ने डिपॉजिट किया नहीं है। तो सबसे पहले गाइज इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये डिपॉजिट हो रखा है। उसके बाद पेमेंट मेथड वेरीफाइड, अगर ये भी ग्रीन आना चाहिए गाइज, अगर उसने पेमेंट ऑलरेडी वेरीफाई है उसका मेथड, तब आप समझ सकते हो कि जो क्लाइंट है वो जेन्युइन है, ठग करने के लिए नहीं आया। और दूसरा चीज़ ये देख सकते हो गाइज, जिस जो क्लाइंट है उसने पहले भी प्रोजेक्ट दिए हैं या नहीं दिए, जैसे मान लीजिए उसको कितने रिव्यूज़ वगैरह मिल चुके हैं, अगर उसे रिव्यूज़ मिल रखे हैं तो काम करवाता है, वो जेन्युइन पर्सन है गाइज। तो आप ही जाके उस प्रोजेक्ट पे आप बिड करोगे। बिड करने के बाद आप एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे क्लाइंट आपसे चैटिंग करने लगेगा गाइज, जैसे चैट करेगा तो एक चीज़ का ध्यान रखना, उससे बोलना कि मुझे एडवांस पैसे चाहिए, मतलब कि माइलस्टोन क्रिएट करने को बोलना। जैसे मैंने भी माइलस्टोन क्रिएट करने को बोला गाइज, तो आप देखो एडवांस में 600 रुपये का प्रोजेक्ट है, 600 रुपये मांग सकते हो। क्लाइंट आपको जैसे माइलस्टोन क्रिएट कर देता है, पेमेंट कर देता है, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है, उसके बाद काम स्टार्ट करना है। ऐसे करो गाइज तो आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं होगा, कोई भी धोखा नहीं होगा। अब चलिए गाइज देख लेते हैं कैसे इस पे सबमिट करना है, कैसे इस पे रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे क्या करना है, सारा कुछ वीडियो में बता देता हूँ गाइज। तो गाइस साइट पे काम करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, freelancer.in लिख के सर्च करना है। सर्च करने के बाद इस साइट पे आ जाओ गाइस freelancer.in पे, और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद लॉगिन पे क्लिक करोगे तो देखिए लॉगिन पे नहीं करना गाइस, आपको साइनअप पे क्लिक करना है। साइनअप पे क्लिक करके आपका जो भी ईमेल एड्रेस है वो ईमेल एड्रेस है, एक नया पासवर्ड डाल करके और उस पासवर्ड को याद रखना, और यहाँ पर ज्वाइन फ्रीलेंसर पर क्लिक कर देना है। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। उसके बाद गाइज क्या करना है, आपको यूजर नेम सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद गाइज ऐसा कुछ आएगा, तो यहाँ पे आपको पूछेगा आई वॉन्ट टू वर्क, तो आपको क्लिक करना है आई वॉन्ट टू वर्क पे क्लिक कर देना है गाइज। जैसे आई वॉन्ट टू वर्क पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे साइनअप सक्सेस हो जाएगा। और देखो गाइज यहाँ पे आके सबसे पहले तो गाइज देखो आपको साइनअप कर लेना है, तो सबसे पहले ये कह रहा है स्किल को सर्च करो। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको गाइज यहाँ पे सर्च बार में आना, और यहाँ पे डाटा एंट्री करके यहाँ पे सर्च कर लोगे। जैसे यहाँ पे डाटा एंट्री सर्च करते हो गाइज, तो यहाँ पे आपके डाटा एंट्री का यहाँ पे इस प्लस पे क्लिक कर दो गाइज। उसके बाद यहाँ पे डाटा एंट्री के बाद गाइज क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे जैसे PDF टू वर्ड वाला भी काम कर सकते हो, तो यहाँ पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देना गाइज, और यहाँ पे PDF टू वर्ड यहाँ पे कर देना है गाइज। और यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे स्किल है तो ठीक है, नहीं तो MS वर्ड, यहाँ पे MS वर्ड वाला भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो। MS वर्ड जो भी स्किल है गाइज आप सर्च करना है, जो भी आपको मैच कर रहे हैं उसको ऐड कर लेना है। तो गाइज देखिए अभी तो हम डाटा एंट्री को लेकर चलेंगे, उसके बाद गाइज देखो यहाँ पे क्या करना है। तो उसके बाद देखो गाइज यहाँ पे डाटा एंट्री करते हो तो सबसे पहले डाटा एंट्री एंड एडमिन का यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, इस वाले पे आप क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे गाइज तो देखो यहाँ पे डाटा एंट्री वाले पे मैंने कर दिया है। उसके बाद एक्सेल पे आपको क्लिक कर देना है गाइज, एक्सेल रिलेटेड है। डाटा प्रोसेसिंग पे भी क्लिक कर देना है, जो जो आप काम जानते हो। अब वेब सर्च जो मैंने काम किया है वो उसको वेब सर्च बोलते हैं, उसको भी आप कर सकते हो। जो काम आपको आता है गाइज यहाँ पे डाटा एक्सट्रैक्शन ये वाला भी कर सकते हो। तो ये सारे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना गाइज, जो जो आपसे मैच करे आपके स्किल से। इतना हो जाने गाइज देखो गाइज इतनी ये सारे आप करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करो गाइज तो यहाँ पे लिंक योर अकाउंट्स, तो आप सबसे पहले गाइज आपको अपना एक फेसबुक अकाउंट बनाना है इसी से रिलेटेड, डाटा एंट्री से उसको लिंक कर सकते हो। आप ऑलरेडी तो लिंक कर सकते हो, लिंक्डइन है तो लिंक कर सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे स्किप कर सकते हो। जैसे स्किप करो गाइज यहाँ पे सबसे पहले गाइज आपको अपना एक अच्छा सा फोटो लगा देना है अपना खुद का। उसके बाद गाइज यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल के यहाँ नेक्स्ट कर देंगे। जैसे नेक्स्ट करते हो गाइज तो यहाँ पे आ जाता है टेल अस अ बिट अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताओ तो व्हाट टू डू, तो यहाँ पे क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, क्या करते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे गाइज यहाँ पे क्या करना है, डाटा एंट्री यहाँ पे लिख सकते हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर यहाँ पे लिख सकते हो गाइज। तो डाटा एंट्री में लिख देता हूँ उसका डिस्क्राइब योर सेल्फ, अपने बारे में एक अच्छा सा डिस्क्राइब कर देना, हाई आई एम डाटा एंट्री ऑपरेटर, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 ईयर्स, ऐसे कुछ कर देना गाइज। और ऐसे करके आई एम एक्सपर्ट जो भी है अच्छे से बनाकर लिख के उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पे आएगा व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, कौन सा लैंग्वेज बोलते हो, हिंदी बोलते हो, हिंदी, उसके बाद इंग्लिश बोलते हो गाइज, तो यहाँ पे इंग्लिश यहाँ पे सर्च करके यहाँ पे इंग्लिश को भी कनेक्ट कर सकते हो, जोड़ सकते हो। उसके बाद व्हेन वर यू बॉर्न, अब अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कर देना गाइज, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पे कह रहा है वेयर वर यू लोकेटेड, अपना रियल एड्रेस यहाँ पे डालना है, जो भी आपका रियल एड्रेस है गाइज उसको डाल देना, उसको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे।
इतना हो जाने के बाद गाइस देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट दे आर चेक योर ईमेल एंड वेरीफाई। अब जो आपके ईमेल एड्रेस पे एक ईमेल जा रखा है उसको वेरीफाई करा लेना है, तो चलिए इसको वेरीफाई करा के नेक्स्ट कर देते हैं। अब गाइस आपका ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो चुका है, अब यहाँ पे क्या करना है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करो गाइस तो आपका देखो वेरीफाई पेमेंट मेथड, तो आप क्या करना है गाइस जो आपका पेमेंट मेथड है यहाँ पे क्लिक करके वेरीफाई कर लेना है। जो भी आपका पेमेंट मेथड है आप अपने बैंक अकाउंट का डिटेल, जैसे मान लो गाइस अपना डेबिट कार्ड ऐड कर सकते हो या फिर पेपल अकाउंट भी ऐड कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ, आप यहाँ पर ऐड कर लेना। उसके बाद गाइस देखो यहाँ पे गेट प्लस मेंबरशिप टुडे, आप देखो यहाँ पे इसको आपको ज़रूरत नहीं है हर महीने, मतलब गाइस आप टोटल यहाँ पे 20 बार फ्री में बिड कर सकते हो। अगर आपको काम मिल जाता है उसके बाद पैसे आ जाते हैं उसके बाद यहाँ पे मेंबरशिप ले सकते हो। अभी के लिए इसको रहने देना है, मेंबरशिप अभी लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम इसको स्किप कर देते हैं। जैसे स्किप करते हो गाइज आपको कुछ ऐसा ओपन होके आ जाएगा, तो देखो जो भी आपने स्किल डाला था उससे रिलेटेड यहाँ पे जॉब पे दिखेंगे गाइज। तो आपको क्या करना है अगर वो ना दिखे तो यहाँ पे डाटा एंट्री, जैसे मान लो डाटा एंट्री का काम करते हो तो यहाँ पे गाइज डाटा एंट्री करके यहाँ पे सर्च कर लोगे। चलिए यहाँ पे डाटा एंट्री करके सर्च कर लेना है आपको, आपसे उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको काम मिल जाएगा। जैसे यहाँ गाइज यहाँ पे डाटा एंट्री करके हम सर्च कर देते हैं, जैसे आप सर्च करते हो तो यहाँ से उससे रिलेटेड आपको काम मिल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए इस वाले प्रोजेक्ट पर मुझे काम करना है गाइज, इसमें मैं क्लिक करूँगा, इस पर आपको क्लिक करना और 20 बार आप फ्री में बिड कर सकते हो। 20 बार में उम्मीद करता हूं आपको काम मिल जाए गाइज, मुझे भी काम मिल गया। तो सबसे पहले गाइज देखो यहां पे आई नीड समवन टू डू डाटा एंट्री वर्क फॉर एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अभी जिसके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसके लिए इसको काम चाहिए डाटा एंट्री का। तो आप इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले आपको पूरा पढ़ना है, उसके बाद गाइज यहां पे देखो यहां पे लिखना है, देखो यहां पे आओगे गाइज आई एम जो भी है यहाँ पे। इसके बाद गाइज देखो सबसे पहले मैंने तो ऐसे ही समरी ऐसे लिख दिया था। अब देखो गाइज आवरली रेट कितना रखना चाहते हो, तो यहाँ पे $5 लेना चाहते हो तो यहाँ पे करके सेव पे क्लिक कर दो गाइज। उससे पहले कह रही है अपना फोटो ऐड करो, तो आप फोटो यहाँ पे ऐड कर देना। तो सबसे पहले गाइज चलिए यहाँ पे फोटो ऐड कर लेते हैं। फोटो ऐड हो जाने के बाद गाइज यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे सेव पे क्लिक करते हो गाइज आप देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे आप बीड करते हो गाइज तो बीडिंग के दौरान देखो आप यहाँ पे क्या कह रहा है आवरली रेट यहाँ पे ₹200 ये है, और उसके बाद गाइज आप अपना चेंज कर सकते हो। वीकली लिमिट 40 है, 40 घंटे है गाइज। अब देखो गाइज यहाँ पे सबसे पहले क्या कर सकते हो, डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले आप करोगे यहाँ पे क्या लिखोगे, हाई आई हैव रीड योर प्रोजेक्ट डिटेल्स एंड आई नो दैट आई कैन डू इट, ऐसे करके एक अच्छे से बनाकर लिख देना गाइज, इतने अच्छे से लिखना गाइज ताकि आपको काम वो दे दे। तो सबसे पहले गाइज ये लिख दोगे और उसके बाद प्लेस अ बिड, जैसे ही प्लेस बिड कर दोगे गाइज तो आपका बिड हो जाएगा। जो जो लोग बिड करेंगे आप उसके ऊपर है गाइज, क्लाइंट के ऊपर जो जो लोग बिड करे होंगे जिसका बिडिंग अच्छा लगेगा उसको काम देगा, काम देगा गाइज तो चैट में दिखेगा गाइज। तो चलिए सबसे पहले आप चैट बॉक्स खोल के ओपन करके दिखा देते हैं। तो गाइस जैसे ही आपने बिड कर दिया आपका बिडिंग चला गया, देखो टोटल आप 20 बार फ्री में बिडिंग कर सकते हो। उसके बाद ये साइट आपसे पैसे मांगता है गाइस महीने के ₹300। जैसे ही आप 20 बार बिडिंग करते हो आप अर्निंग हो जाएगा, अर्निंग हो जाने के बाद आप यहाँ पे ₹300 महीने का प्लान ले सकते हो, ₹700 का प्लान ले सकते हो गाइस। और उसके बाद महीने में आप 100 बार 200 बार 300 बार बिडिंग फ्री में कर पाओगे। तो आपको पहले पैसे कमा लेना है, उसके बाद यहाँ पे मेंबरशिप लेना है। आप देखो गाइस सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसे आप बिड कर देते हो तो यहाँ पे चैट बॉक्स ओपन हो जाएगा, जैसे क्लाइंट आएगा वो सबसे पहले सबका बिड देगा, जिसको अच्छा लगेगा उसको काम देगा। तो सबसे पहले गाइज देखो अगर आपका बिड उसको पसंद आया तो आपसे गाइज यहाँ पे चैट बॉक्स में यहाँ पे आ जाएगा मैसेज, वो आपसे कांटेक्ट करेगा। अगर पसंद नहीं है तो आपको कांटेक्ट नहीं करेगा, जैसे कांटेक्ट करेगा गाइज तो आपसे चैट करेगा, है कैन यू डू दिस, तो आपसे चैट करने के दौरान आपसे पूछेगा डिटेल वगैरह। तो उसी दौरान आप क्या करना है गाइज उससे बोलना है, जैसे आपको जैसे बोले काम कर दो मेरे लिए, तो उससे बोलना कि क्रिएट अ माइलस्टोन। अब माइलस्टोन ये होता है गाइज एडवांस पैसे होता है, आप जैसे 2000 का प्रोजेक्ट है तो आप 2000 एडवांस में मांग सकते हो या फिर 500 या ₹1000 भी एडवांस में मांग सकते हो। जैसे वो माइलस्टोन क्रिएट कर देगा गाइज, आप जैसे ही आपको रिलीज कर देगा तो आपको पास यहाँ पे दिख जाएगा। तो उसके बाद गाइज क्या करना है आपको, उसके बाद उसका प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट कर लो गाइज। उसके बाद आपको काम करके और यहाँ पे जैसे चैट में आते हो गाइज और यहाँ पे क्लिक करके अपलोड कर दोगे फाइल को और यहाँ से सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद आप उसे बता दोगे सबमिट हो गया, उसके बाद उस काम देखे गाइज और आपके काम को एक्सेप्ट करके पूरा पेमेंट कर देगा। तो ऐसे करके आप अर्निंग कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद है, पसंद है प्लीज़ लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे करके आप भी अर्निंग कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।